तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो नैनीताल बैंक का क्लर्क है और जो एमटी है उसको कितनी सैलरी जो है मिलने वाली है। मैं आपको जो है शेयर करूँगा सैलरी स्लिप क्लर्क की और एमटी की। तो क्या क्या उनकी डिडक्शन होती है, कैसे सैलरी मिलती है, क्या प्रोसीज़र होता है सैलरी मिलने का, वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो लास्ट तक बने रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लर्क के बारे में। तो देखिए, ये है क्लर्क की सैलरी। जब आप ज्वाइन करोगे एज अ क्लर्क न्यू ज्वाइनी, तो आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 19,900। फिर उस पे क्या होता है कि आपको डीए मिलता है, जो डीए है इस टाइम पर वो है 44.24, ठीक है। मतलब कि इसमें आप 500 समथिंग कुछ और ऐड कर लो तो 8,800 ये आपका जो है डीए हो जाएगा। उसके बाद एचआरए, ये 10.24% होता है बेसिक का, तो ये आप ऐड कर लीजिए तो ये आपको मिलता है। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, स्पेशल अलाउंस होते हैं कुछ, वो मिलते हैं। इसमें से एक ये जो ऑफिशिएटिंग अलाउंस है ये आप निकाल दीजिए। तो ऑफिशिएटिंग अलाउंस जो है वो आपको ऐसे नहीं मिलता जैसे आप कैश पर बैठते हो, आपका कोड चेंज होता है तो आप क्लेम करते हो उसके बाद आपको मिलता है। तो ये मैंने क्लेम किया था तो मुझे मिल गया था। तो ग्रोस जो है ऑफिशिएटिंग को मिला के वो इतनी बनी थी मेरी, और इसमें से आप ये जो है 1,457 रुपये, 1,457 जो है माइनस कर दीजिए, मतलब लगभग ये आपका हो जाएगा 35,700 के आसपास ग्रोस हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें 500 आप ऐड कर लीजिए, मतलब इसमें 1,000 आप माइनस कर लीजिए क्योंकि 44.24% जो है इस टाइम डीए है और ये इससे आगे भी इंक्रीज़ हो जाएगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग होएगी। तो आप ग्रोस मान के चलिए कि जो ग्रोस है वो आपकी उस टाइम पर होगी लगभग इतनी ही, 37,175। अब इसमें से जो डिडक्शन है वो एनपीएस का डिडक्शन होता है और एक डिजीज़ जो है 100 रुपीज़ उसके जाते हैं कि जैसे कोई नौकरी के टाइम पर कोई बीमारी से मर जाता है या किसी तरह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसको एक क्लेम दिया जा सके, कंट्रीब्यूट करते हैं मतलब सभी इम्प्लॉयज़ मिलकर, तो ये उसका जाता है। तो टोटल जो डिडक्शन है वो मेरी इतनी थी उस टाइम पर और ये जो है नेट सैलरी मुझे मिली थी। तो आप मान के चलिए कि आपकी जो है जब नवंबर में ज्वाइनिंग होगी तो अगर ये आईबीए के अंडर रहा तो आपकी जो सैलरी है वो इतनी होगी। तो अब मेरा जो है एक इंक्रीमेंट लग चुका है, एक इंक्रीमेंट लगने के बाद मेरी जो ग्रोस है वो 38 के आसपास है और जो इन हैंड मेरी आई थी वो 35 के आई थी। तो ये तो थी एक क्लर्क की सैलरी। इसके बाद मैं बात करता हूँ एमटी की। तो देखिए, एमटी के केस में क्या है कि जैसे पिछली बार नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 30,000 रुपये लमसम अमाउंट जो है पर मंथ मिलता था एक साल तक जब तक आप कंफर्म नहीं होते। इस बार इन्होंने इसको इंक्रीज़ करके कितना कर दिया है, 40,000। तो ये आपको अब जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो तब तक मिलेगा 40,000 पर मंथ जब तक आप एज अ ऑफिसर स्केल कंज्यूम नहीं कर लिए जा सकते बैंक में। तो जब आप ऑफिसर स्केल वन बन जाओगे उसके बाद आपकी जो बेसिक रहेगी वो रहेगी 36,000। ये एक न्यू जॉइनी की सैलरी है, सैलरी स्लिप है, एक साल के बाद पहली सैलरी जो आई है ऑफिसर स्केल बनने के बाद। तो ये बेसिक रहेगी, इस पे 44.24% जो है उसको डीए मिला, आपके टाइम में ये और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एचआरए होता है, लोकल अलाउंस होता है, लर्निंग अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, फिर उस पर डीए मिलता है स्पेशल अलाउंस पर, ठीक है। तो ये सब मिला के जो ग्रोस बनी है वो कितनी बनी है, 64,527। इसके अलावा और भी अलाउंस होते हैं जैसे कंटीन अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस,
और न्यूज़पेपर अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, वो सब भी इसके लिए आप, इसके अलावा आप क्लेम करते हो। तो जो डिडक्शन हुई, डिडक्शन होने के बाद जो नेट सैलरी इनको मिली वो मिली 60,460 रुपये। आपके टाइम में जब आप ऑफिसर स्केल बन जाओगे, अगर ये IBA के अंडर में रहा तो ये अराउंड 70 के आसपास, मतलब 70 के आसपास ग्रोस हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको पता भी होगा, अभी 11th बाइपार्टाइट चल रहा है और दिसंबर तक चांस है कि जो ड्यू पड़ा है 1 नवंबर 2022 से 12th बाइपार्टाइट लगना, तो जैसे ही वो लगेगा तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है बैंकिंग में रिवाइज़ होगा। तो आप मान के चलिए कि अच्छा, अच्छी जो है एक सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। बट ये IBA के अंडर रहना चाहिए, क्योंकि चांसेस यही लग रहे हैं कि जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा इसको सेल करेगा, इसके शेयर, तो ये IBA से भी बाहर हो सकता है। तो ये सैलरी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।